आज मैं खेलने जा रहा हूँ फ्लाइट स्टिमुलेटर आर ए, इट्स ए आर रियल्स फ्लाइट स्टिमुलेटर। ओके, सो पहले बार हम खेल रहे हैं इसको, सो पहले एयरबस से स्टार्ट करते हैं। प्रो के लिए बोल रहा है कन्फर्म। ओके, कन्फर्म करते हैं। सो फ्लाइट रूट हमारा कैसे हैं वो देख लेते हैं। ओके, दैट्स कूल। सो लेट्स स्टार्ट द फ्लाइट, लेट्स बिगिन। कैलिब्रेशन मतलब आपको अपना मोबाइल ठीक टिल्टेड रखना है, जैसा आपको मोबाइल चाहिए उसको बोलते हैं कैलिब्रेशन। अगर आप जैसा मोबाइल रख रहे हो उधर से स्टार्ट होगा कैलिब्रेशन। सपोज़ आपने मोबाइल टेढ़ा पकड़ा है तो वो टेढ़े को ही सीधा समझेगा, अगर आप सीधा पकड़े हो तो सीधे को सीधा समझेगा। तो आई विल, ओके। सो मैं एक इंजीनियर हूँ, आई एम एयरक्राफ्ट इंजीनियर, तो मेरे को ये आसानी है, सो मेरे को रीड से। सो आपको पहले बता देता हूँ, हम अगर राइट साइड में आते हैं तो इधर मास्टर क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चंस मतलब कि उधर वार्निंग्स देगा वो। ग्राउंड सिस्टम्स लिखा है, ग्राउंड सिस्टम्स के बारे में आपको धीरे धीरे पता चलेगा। एयरक्राफ्ट सिस्टम्स के अंदर क्या क्या है वो है, जैसे ग्राउंड सिस्टम्स में APU आता है, APU चार्जर होता है बैटरी टाइप उस एयरक्राफ्ट को स्टार्ट करने के लिए। इधर एयरक्राफ्ट सिस्टम्स में जैसे सीट बेल्ट, नोज कॉपिंग, वो तो अंदर की चीज़ें हो गई, पर बाहर कॉमन जो जो चीज़ें हैं वो सब की बात है। फ्लैप्स लैंडिंग और टेक ऑफ के टाइम काम आते हैं, वैसे उसकी अभी तक ज़रूरत नहीं है। इधर है गियर्स, लैंडिंग गियर्स के बारे में है, अप और डाउन, जो कि एयरक्राफ्ट की तरह से डिज़ाइन की गई है। फिर इधर है पार्किंग ब्रेक्स जिससे ब्रेक लगी हुई है, जिससे एयरक्राफ्ट अभी इधर खड़ी है। रडर्स ऐसे हिलेंगे, रडर्स आप देख सकते थे कि मैं अगर लेफ्ट में जाऊँगा तो वो लेफ्ट में एयरक्राफ्ट जाएगा, ओके। राइट में है तो राइट में, ओके। इधर है थ्रोटल, राइट अगर हम लेफ्ट साइड में बात करें तो थ्रोटल, और उसके पीछे हो उसके ऊपर है ऑटो पायलट। सो लेट्स बिगिन। और मैं हल्का सा ऊपर उठा कर एयरक्राफ्ट को, पॉजिटिव रे, एकदम स्टार्टिंग में ही गियर अप, हमें एकदम ऊपर ऐसे टिल्टेड नहीं करना, हमें आराम आराम से, क्योंकि ये काफ़ी डाउन होता है। और इधर जो जायरोस्कोप है उससे हम अंदाजा लगा सकते कैसे काम कर रहा है। तो हल्का सा साइड की तरफ घुमाने के लिए हमें, अगर आप ऐसे कर रहे हैं जिस टेक्निक अभी मैं कर रहा हूँ उसे रोलिंग कहते हैं, पर हमें साइड में जाना है तो रडर आप यूज़ करें साइड वेज मूव करने के लिए, और अभी मैं कर रहा हूँ रोलिंग एंड साइड वेज मूव। जस्ट साइड, अभी मेरा फ्यूल है 72%। ये अलार्म भी बंद हो गई है कि टोटल अभी नॉर्मल पे है।
ये आवाज इसलिए कर रहा है क्योंकि हमारी ओवर स्पीडिंग हो गई। मैं इसको ऑटो पायलट पे रख देता हूँ तो फिर इसकी ठीक है। ओके इसके एल्टीट्यूड में सेट कर देता हूँ ताकि ऑटो पायलट मोड पे चले जाए। इसको होल्ड करेंगे इसके मैं साइड में वेज में जा रहा था ये करने के लिए कोई बात नहीं। मुझे ऑटो पहले ऑफ करना है। तो अभी लैंडिंग हो रही है क्योंकि काफ़ी टाइट हो चुकी है। एयरपोर्ट ही नहीं दिख रहा है। और एयरपोर्ट किधर है वही पता नहीं है।
Reduce speed to V low. Reduce speed to V low. Caution, terrain. Caution, terrain.